उसका खाती हूँ। और नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरेंद्र सिंह रावत जी थे जो शहीद हुए हैं और उनका पार्थिव शरीर कोटद्वार पहुंचा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे देश में सबसे पहले तो सशस्त्र नमन जिन्होंने देश के शहीद हुए हैं, और फिलहाल देख सकते हैं उनका पार्थिव शरीर घर पहुंच रहा है कोटद्वार में और कोटद्वार के शिवपुर इलाके में, और पार्थिव शरीर भी घर पहुंचा और उसके बाद जो भी होगा शायद यहाँ मुक्ति धाम में ले जाया जाएगा। और जैसे कि कोटद्वार में ये सुरेंद्र सिंह रावत जी थे जो एयर डिफेंस में थे, और मैं सुनने में आ रहा है कि इनकी मौत भी डेंगू के कारण हुई है। तो आप देख सकते हैं बाकी सभी लोग घर पर पहुंचे उनके, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है ऐसे शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। देख सकते हैं परिवार वाले यहाँ पर किस तरह से बुरा है, घर वालों का रो रो का बुरा हाल देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि नंबर लिखा हुआ हवलदार से, और सुरेंद्र सिंह रावत जी थे मुंबई टू सिपी यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में अभी पोस्टेड थे। और जैसे कि अभी मैंने पूछा यहाँ पर लोगों से तो कहा गया है कि डेंगू के कारण इनकी मौत हुई है, और परिवार में देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का परिवार वालों का बुरा हाल है। अभी यहाँ पर परिवार वालों को दर्शन कराए जाएंगे। बाकी सभी को राज्य देख सकते हैं, बाकी सभी अभी यहाँ से बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ अब जैसे कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और अभी शायद मुक्तिधाम जो यहाँ का मुक्तिधाम है वहाँ ले जाया जाए।
और जैसे कि देख सकते हैं परिवार वालों का रोड का बुरा हाल, और ऐसे शहीदों को मेरा सत्संग नमन, जो देश की रक्षा के लिए सर्वोपरि रहते हैं। बाकी अभी मुक्ति धाम में यहाँ से ले जाया जाएगा, और परिवार वालों का रोड का बुरा हाल है। बाकी अभी जो भी अपडेट होगी या जानकारी आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पर उनका बिल्कुल राज्य के सम्मान के साथ तिरंगा चढ़ाया जा रहा है। तो साथियों देख सकते हैं किस प्रकार से रोड का बुरा हाल है। वीडियो बना रही थी, बाकी अब बॉक्स को खोला जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर उनको घर वाले के दर्शन कराए जाएंगे, और उसके बाद जो भी यहाँ पर विधि विधान होगा। तो अभी हूँ मैं ये शिवपुर के पास, कॉलेज वाली जो रोड है पीछे, उस रोड के पास इनका घर था, देख सकते हैं। और एयर डिफेंस में ये हवलदार के पद पर थे। यस सर जी, नीरज जी, हाँ, डेंगू की वजह से इनका यहाँ पर निधन हुआ है। चलो साथियों, इसी साथ इस लाइव को एंड करता हूँ मैं। बाकी आप आगे जो भी